भारत का सबसे बड़ा सिंथेटिक फैब्रिक मार्केट सूरत, जहां करीब 75,000 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर करीब 4.5 करोड़ मीटर कपड़ा हर दिन मैन्युफैक्चरर किया करते हैं। इन कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूरत में करीब 400 यूनिट्स के साथ करीब 4.5 लाख पावर लूम्स है, जहां बनने वाले कपड़े पूरी दुनिया के करीब 200 से ज्यादा होलसेल मार्केट में जाके बिका करते हैं। ये सूरत की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत में करीब 15 लाख लोगों को जॉब दिया करती है, जो कि यूपी, बिहार और उड़ीसा से आए हुए होते हैं। सूरत के सबसे पहले पावर लूम की शुरुआत साल 1905 में अंबालाल साराभाई ने किया, लेकिन इस मार्केट को सबसे बड़ी पहचान मिली गार्डन वरेली साड़ी से, जब उन्होंने साड़ी बनाने के इस्तेमाल में सिंथेटिक फाइबर को लाना शुरू किया, जो कि इंडियन टेक्सटाइल में एक सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था। और फिर धीरूभाई अंबानी ने विमल ब्रांड के साथ इंडिया में कपड़े पहनने का ढंग ही बदल दिया। विमल इंडिया के उन पहले ब्रांड में से था जिन्होंने टीवी एडवर्टीजमेंट पे अपना प्रमोशन करना शुरू किया। और फिर रेमंड एंड सियाराम जैसे ब्रांड में 90s के टाइम में सूरत के मार्केट को दुनिया भर में एस्टेब्लिश कर दिया। और फिर साल 2000 के बाद जुलाहा साड़ी ने अपने वीविंग आर्ट और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से यंगस्टर को साड़ी के मार्केट से फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया के 90% से ज्यादा सिंथेटिक कपड़ों की डिमांड पूरी करने वाला सूरत आज एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यहाँ पे बढ़ते कॉस्ट की वजह से कई सारे पावर लूम्स बंद होते जा रहे हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको टेक्सटाइल मार्केट में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे सूरत किन मुश्किल दौर से गुजरता दिख रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो इंडिया के पार्टीशन के साथ ही इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट था वो बहुत ही मुश्किल दौर में चला गया, क्योंकि पार्टीशन में इंडिया और पाकिस्तान में आधे आधे इंडस्ट्रीज डिवाइड हो गए। जहां इंडिया के पास करीब 409 टेक्सटाइल मिल आई, वहीं पाकिस्तान के पास 14 मिल और 22% कॉटन कल्टीवेशन लैंड चला गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस समय इंडिया में जॉब का सबसे बड़ा साधन हुआ करती थी, जिस वजह से आजादी के बाद भारत सरकार ने इस पर काफी ज्यादा काम करना शुरू किया। और 1960 में सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन की शुरुआत हुआ, जिससे सिंथेटिक टेक्सटाइल को प्रमोट किया जा सके। और इसका असर भी बहुत ही जल्दी दिखाई दिया, क्योंकि जहां 1951 में भारत में करीब 23,800 पावर लूम्स थे, वहीं 1981 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर करीब 6 लाख पहुंच गया। सूरत के पास यहाँ पे मार्केट में कई सारे एडवांटेज थे, जैसे कि चीप लेबर का बहुत ही इजीली अवेलेबिलिटी था यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ही इजीली और एक्सेसिबल था। इसके साथ ही यहाँ पे जो मेजर बड़े दुनिया के मार्केट्स होते हैं वहाँ से भी सूरत बहुत जल्दी कनेक्टेड था, जिस वजह से ये बहुत ही जल्दी सिंथेटिक फाइबर का एक प्रोडक्शन हब बन के भारत में तैयार हो गया। आजादी के बाद शुरू हुए गार्डन बरेली साड़ी ने सबसे पहले मार्केट की नई अपॉर्चुनिटी को समझा, और 60s के टाइम में वो भारत के सबसे पहले बड़े साड़ी के ब्रांड बनके उभर के आए। लेकिन 1982 में मुंबई में एक बड़ा स्ट्राइक हो जाता है, जहां करीब 2.5 लाख से ज्यादा जो मिल वर्कर्स थे वो इनडेफिनेट स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ये स्ट्राइक करीब 2 सालों तक चलती है मुंबई में, जिस वजह से जो मुंबई का पूरा सिल्क प्रोडक्शन का मार्केट था वो सब खत्म हो गया और पूरा मार्केट सूरत और गुजरात की तरफ जाके शिफ्ट हो गया। लेकिन इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट में अगला बड़ा रिवोल्यूशन आता है 1987 वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा था रिलायंस, और यहाँ पे धीरूभाई अंबानी ने इंडिया की अपॉर्चुनिटी को समझ लिया था कि 1983 का वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी उसके बाद इंडिया में क्रिकेट की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और इसी को इन्होंने एक बड़े एडवांटेज के तरह लिया। वर्ल्ड कप के पूरे लाइव मैचेस के बीच में सिर्फ ओनली विमल का ही एड दूरदर्शन पे दिखाई देता था, जिस वजह से ये ब्रांड बहुत ही जल्दी घर घर की पहचान बन गया। ये वर्ल्ड कप तो भारत हार गया, लेकिन विमल ये वर्ल्ड कप जरूर जीत चुका था। विमल के टीवी पे इतना बड़ा सक्सेस देखने के बाद बॉम्बे डाइंग और डिग जैम जैसे कई सारे ब्रांड्स भी अपने टीवी एडवर्टीजमेंट को लेकर सामने आ गए, और इसके बाद विमल ने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज किया और उन्होंने टीवी स्टार्स और इसके साथ ही उन्होंने क्रिकेटर्स को अपने एड कैंपेन्स में जुड़ना शुरू किया। लेकिन इसके बाद आता है 1991 का लिबरलाइजेशन, जिसके बाद कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंडिया में एंटर करते हैं। इसके साथ ही दूरदर्शन के साथ कई और नए टीवी चैनल्स भी इंडिया में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद कई सारे कंपनीज ने अपने नए एड कैंपेन्स लॉन्च किए, जैसे कि गार्डन वरेली साड़ी ने अपना एड कैंपेन लॉन्च किया 3 इंडिया के साथ। इसके साथ ही मयूर शूटिंग का एड कैंपेन था शाहरुख खान के साथ, दिनेश शूटिंग्स ने सुनील गवास्कर को हायर किया, इसके साथ ही ग्वालियर शूटिंग्स ने पटौदी फैमिली के साथ अपना एडवर्टीजमेंट किया। लेकिन विमल को असली टक्कर दिया रेमंड ने, जब उनका द कंप्लीट मैन एड कैंपेन लॉन्च हुआ। उसके बाद ही विमल की मोनोपोली भारत के मार्केट में पूरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में नई नई जनरेशन आती जा रही थी, जिसके बाद शूटिंग और शर्टिंग का मार्केट काफी ज्यादा पीछे होता गया, और इसके बाद रेडीमेड कपड़ों का मार्केट इंडिया में तैयार हो गया, जिसके बाद वेस्ट साइड पेंटालून और लाइफस्टाइल जैसे नए ब्रांड्स आ गए। उन्होंने अपने रिटेल स्टोर्स खोले और यहाँ पे मॉल कल्चर भी इंडिया में शुरू हो गया था। अगर आपने पेंटालून के बारे में नहीं देखा है हमारी डिटेल वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से पेंटालून ने इंडिया के मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। साल 2004 तक इंडिया का अपैरल रिटेल मार्केट करीब $2 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका था, और साल 2014 में गार्डन बरेली साड़ी की तरह जुलाहा साड़ीज भी मार्केट में आती है, जिन्होंने अपने एडवांस मशीनरी और अपने कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस के दम पे इंडिया के वीविंग मार्केट में एक फिर से नई जान फूंक दी और सूरत में वीविंग का नया काम फिर से शुरू कर दिया। साल 2013 में सूरत में जहां रैपियर जैक्वार्ड की करीब 300 मशीनरी हुआ करती थी, वो आज बढ़कर करीब 30,000 से भी ज्यादा हो चुकी है।
आज के समय में लोग प्रिंटेड साड़ियों की जगह वीव्ड साड़ियां काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके पीछे एक बड़ा हाथ है जुलाहा साड़ीज का, जिन्होंने अपने क्वालिटी और रिवोल्यूशन के दम पे एक समय में गिरते हुए साड़ी के बाजार को फिर से जिंदा कर दिया। और सूरत का जो टोटल वीविंग मार्केट है उसमें जुलाहा साड़ी का एक बड़ा मार्केट शेयर है। लेकिन पिछले कुछ समय में सूरत का टेक्सटाइल मार्केट एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। सेल्स रिकॉर्ड लो पे जाती जा रही है, उसके साथ ही 70 से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट सूरत में बंद हो चुकी है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि इंपोर्टेड कोल की प्राइस का काफी ज्यादा बढ़ जाना, क्योंकि जो इंडिया में जो कोल का प्रोडक्शन होता है वो मानसून की वजह से काफी ज्यादा इफेक्टेड हो गया, जिस वजह से कंपनीज को अपने 80-90% डिमांड के लिए बाहर की कंट्रीज में फोकस करना पड़ रहा है। और अगर हम देखें जो इंडोनेशिया से कोल इंडिया में इंपोर्ट हुआ करता था उसका पहले प्राइस करीब 5,000 पर टन हुआ करता था, वो बढ़ के करीब 18,000 पर टन पे पहुंच चुका है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में वीवर्स ग्रे क्लोथ को होलसेलर को बेचते हैं, जिसके बाद इसे मिल में इसकी डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग होती है, और इसके लिए बॉयलर्स का इस्तेमाल होता है जिसमें कोल का यूज होता है। और बढ़ते कोल प्राइसेस की वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का वो बढ़ जाया करता है। यहाँ पे कोल प्राइसेस के अलावा सूरत की कंपनी से गवर्नमेंट से कई साल से डिमांड है कि उनको एक्सपोर्ट कंट्रीज से जोड़ा जाए, जिस वजह से सूरत के टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। अगर हम अभी का सूरत का टोटल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट देखें तो वो सिर्फ 5% है, और कंपनीज चाहती है कि इनका एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तब ओवरऑल डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हम सूरत के मार्केट को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर वो यूपी के मॉडल से समझ सके, जैसे कि यूपी में ODOP मॉडल की शुरुआत हुई है, वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के जो करीब 75 प्रोडक्ट हुआ करते हैं उनको पूरी तरीके से एक्सपोर्ट कंट्रीज से डायरेक्टली जोड़ा, जिस वजह से यहां के प्रोडक्ट डायरेक्टली विदेशों में जाके बिका करते हैं। इसमें हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन इन एडवर्स कंडीशन में भी कई सारे ब्रांड्स अपने आप को यूथ से कनेक्ट करने में काफी ज्यादा सफल रहे, जैसे कि मानेवर और रेमंड। इसके साथ ही जुलाहा साड़ीज भी इंडिया के ट्रेडिशनल क्लोथिंग को यूथ से कनेक्ट कर रहा है अपने नए नए एड कैंपेन्स के थ्रू। एक्चुअली ये कंपनीज इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को काफी समझ रही है कि डोमेस्टिक में भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ जुलाहा साड़ी ने ईद फेस्टिवल के लिए नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस नीला कुलकर्णी के साथ इंडिया का अपना ट्रेडिशनल नाम का एक एड कैंपेन लॉन्च किया, जिसे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एक्चुअली इन कंपनी ने बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व कर लिया है कि इस समय दुनिया का पूरा मार्केट इंडिया है, और अगर इंडिया में अपनी पहचान बना ली गई तो हम पूरे दुनिया में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और इसीलिए जुलाहा, मानेवर जैसे कई सारे ब्रांड्स इस समय आगे आए हैं इंडिया के इस मार्केट में। अगर हम इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट की पोटेंशियल समझें तो यह हर साल करीब 6% की दर से बढ़ती जा रही है, और फाइनेंशियल ईयर 25 तक यह मार्केट करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में इंडिया में टेक्सटाइल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।